बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोर्न साइट समेत इंटरनेट पर सभी मौजूद ऐसी आपत्तिजनक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए पत्र लिखा है। सीएम ने सोमवार को लिखे पत्र में कहा कि पिछले कुछ समय से विभिन्न राज्यों में महिलाओं के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद जघन्य तरीके से हत्या करने की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस तरह की घटनाएं अक्सर सभी राज्यों में घटती रहती हैं, जो बेहद दुख और चिंता का विषय है। सीएम ने पत्र में कहा कि इंटरनेट पर लोगों की असीमित पहुंच के कारण बड़ी संख्या में बच्चे और युवा अश्लील, हिंसक और अनुचित सामग्री देख रहे हैं, जो अवांछनीय है। इसके दुष्प्रभाव की वजह से कुछ मामलों में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। कई मामलों में दुष्कर्म की घटनाओं के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर, मसलन व्हाट्सएप, फेसबुक समेत अन्य पर प्रसारित कर दिया जाता है। विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के मन को इस तरह की सामग्री विशेष रूप से प्रभावित करती है। कई मामलों में इस तरह की सामग्री का उपयोग कर इस तरह के अपराध किए जाते हैं। जाँच के दौरान इस तथ्य का खुलासा भी हुआ है। इसके अलावा ऐसी सामग्री के लंबे समय तक उपयोग के कारण कुछ लोगों की मानसिकता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। इस वजह से अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और महिलाओं के प्रति अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सीएम ने पत्र के अंत में अनुरोध करते हुए कहा कि इस गंभीर समस्या पर तत्काल विचार करते हुए पोर्न साइट और इंटरनेट पर मौजूद अन्य अनुचित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए जल्द समुचित कार्यवाही करने की कृपा की जाए। मुख्यमंत्री ने इस पत्र में यह भी लिखा है कि इस मामले पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT एक्ट 2000 तथा संशोधित 2008 में कई कारगर प्रावधान किए गए हैं, लेकिन वे प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। हाईकोर्ट के स्तर से भी इस संबंध में सरकार को कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। सीएम के अनुसार अभिव्यक्ति एवं विचारों की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की अनुचित सामग्री की असीमित उपलब्धता उचित नहीं है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही किया जाना बेहद आवश्यक है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।